मैं आपके साथ बहुत अच्छी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अभी तक मैंने हेयर की कोई भी वीडियो शेयर नहीं करी थी आपके साथ, और टाइटल जैसे आपने देख ही लिया होगा, होममेड केराटिन ट्रीटमेंट। आप कैसे अपने बालों को हेल्थी बना सकते हैं, केराटिन पार्लर में हो जाता है, बट पार्लर में आपको पता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है केराटिन। केराटिन बोलते हैं कि जैसे आपके बालों के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, उससे हेयर फॉल वगैरह कम होता है, तो वही ट्रीटमेंट मैं आज घर में करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल मेथड से सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में इजीली मिल जाएंगे। तो करते हैं, देखिए मैंने अभी जस्ट हेयर वॉश करा है और मेरे बाल बहुत ज्यादा हेल्थी और शाइनीनेस आपको इसमें नहीं नजर आएगी इतनी, मैं बट रियली बहुत ज्यादा शाइन मेरे बालों में है, और साथ ही साथ हैवी लग रहे हैं काफी, मुझे अपने बाल बहुत ज्यादा हैवी लग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस केराटिन ट्रीटमेंट को। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना भी। ये देखिए मेरे बाल एकदम हैवी और बहुत ही सॉफ्ट हो रखे हैं, भले आपको दिखने में ऐसा लग रहा हो सॉफ्ट नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक मिक्सी जार ले लीजिए। यहाँ पे मेरे पे हैंड ब्लेंडर है, मैं उसको ले रही हूँ। यहाँ पे मैं लूँगी एग। तो एग का मुझे वाइट पार्ट चाहिए, येलो पार्ट नहीं आपको लेना है, वाइट पार्ट लेना है। तो यहाँ पे मैं दो अंडे लूंगी, आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए। जितनी मेरी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग दो एग बहुत है। अगर आपके बाल छोटे हैं बहुत तो एक अंडा, अदरवाइज मेरे से लंबे हैं तो तीन एग आपको लगेगा। तो दो अंडे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जिनका व्हाइट पार्ट मुझे लेना है। इसके बाद आपको चाहिए दो चम्मच दही। दही एकदम घर की दही हो तो ज्यादा बेटर है, दही एकदम थिक चाहिए आपको, थिक योगर्ट आपको चाहिए। तो दो ही चम्मच आपको दही लेनी है, दो ही एग लेने हैं, और दो चम्मच यहाँ पे मैं लूंगी एलोवेरा जेल। नेचुरल एलोवेरा जेल है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप जिस ब्रांड का आप लगाते हैं वो वाला ब्रांड आप यूज कर सकती हैं। दो चम्मच एलोवेरा जेल, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप मिक्सी में पीस लीजिए, पेस्ट बनाना है आपको, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। ये देखिए एकदम एकदम क्रीमी फॉर्मी आ चुका है। और अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें मैं एक चीज और डालनी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पे पहले मैं एक चम्मच, फिर मैं एक को चम्मच और लूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ऐसे में मिक्स नहीं होगा, इसमें थोड़ा लम्स रहेंगे, तो आप दोबारा मिक्सी में चला लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा पतला हो रहा है तो आप, बट पेस्ट आपको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो तीन चम्मच मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ली है, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए बहुत अच्छा क्रीमी पेस्ट आ चुका है। ये आपके स्किन में एकदम आपको ऐसा लगेगा कि चिपक जाएगा या इस टाइप का कुछ नहीं होगा, बहुत ही अच्छा पेस्ट निकल के आ चुका है। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी और अब हमारे लिए लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले अपने बालों को कॉम कर लीजिए अच्छे से। आपको मेरी शक्ल ऐसे लगेगी कि मॉर्निंग का टाइम का वीडियो है, तो अच्छे से आप देख सकते हैं कितने रफ मेरे बाल हो चुके हैं। इन्हें पार्टीशन करके आप अच्छे से कॉम कर लीजिए अपने बालों को। तो पहले मैं आपको बता दूं इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको बालों को हेल्थी बनाएंगे। सबसे पहले अंडा, अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमारी जड़ों को भी मजबूत करता है। उसके बाद डाला था हमने दही,
दही आपको पता है डैंड्रफ को दूर करता है, हमारे एक नेचुरल कंडीशनर दही में होता है। तीसरी चीज डाली थी हमने एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल आपको पता आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्थी है, नेचुरल मॉइस्चराइजर उसमें होता है। उसके बाद हमने डाला था लास्ट मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा क्लिंजर है, आप अगर ऑयली हेयर हैं तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है और हमारे बालों को भी क्लीन करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि लगाना कैसे है आपको। पहले आपने बालों को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करिए और आपको जड़ से लगाना है। देखिए अगर आपके जड़ों में भी जाएगा तो बहुत हेल्थी है आपके लिए, आपके लिए हेयर फॉल को रोकेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी है, आपकी जड़ों को मजबूत करेगा। और पूरा अच्छे से लगाना है आपको, स्कैल्प से लगाना है और बालों की लेंथ तक और उसके एंड तक। मेरे बाल थोड़ा कर्ली हेयर है इसीलिए थोड़ा ऐसे लग रहे हैं आपको। मैं ये नहीं बोलती कि आप इस पैक को लगा के आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे बट हेल्थी जरूर होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे आपके हेयर, आपको थोड़ा हैवी लगेंगे अपने हेयर, नेचुरल शाइन नजर आएगी। और इसको आप हफ्ते में दो बार भी इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे, नहीं तो हफ्ते में आप एक बार जरूर इस ट्रीटमेंट को कीजिए। तो अच्छे से लगाइए, जड़ों तक लगाइए, क्योंकि जिस टाइप से पार्लर्स वाले लगाते हैं हर एक बाल का बाल में वो लगाते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिले, तो इस टाइप से आपको पूरे अपने हेयर पे अप्लाई कर लेना है इसको। और मैंने ये पेस्ट थिक इसलिए भी रखा है क्योंकि पेस्ट थिक रहेगा तो आपके बालों में जो कैरेटिन ट्रीटमेंट मैंने बनाया है वो टिका रहेगा, अगर आपका पेस्ट लिक्विड ही रहेगा तो वो बहता रहेगा और आपको भी बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए उसमें मुल्तानी मिट्टी भी इसीलिए मैंने डाली है और ज्यादा इसीलिए डाली कि एक अच्छा पेस्ट होगा, जैसे मैंने बोला मुल्तानी मिट्टी अच्छा क्लिंजिंग का काम भी करती है। तो देखिए एक साइड का मेरा हो चुका है, मैं इसे दूसरे साइड भी लगा लूंगी। देखिए मेरा पूरा लग चुका है बालों में। अब आपको क्या करना है, इसे कम से कम 1 या 2 घंटे से लगा के रखना है, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है जो भी शैम्पू या कंडीशनर से। देखिए मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और मेरे बालों में कितने अच्छे हैवीनेस मेरे बालों में आई है, शाइन।